तो जिन्हें रोटियां मिलनी चाहिए उन्हें लाठियां मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों का कुछ यही हाल है। जो लोग अपने साधन से ट्रकों से जाना चाहते हैं उन्हें पुलिस इसी तरह से निकाल निकाल कर पीट रही है। गुजरात का ये वीडियो बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के किस शहर का ये पता नहीं है, लेकिन गुजरात में कुछ इस तरह से जब रात के वक्त ट्रक में सवार होकर कुछ प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार की तरफ जाना चाहते थे तो पुलिस ने ट्रक से निकाल करके इन मजदूरों को बेरहमी से पीटा है। और देखिए किस तरह से निकाल निकाल करके उन्हें उन पर डंडे बरसाए गए। और इनका कसूर सिर्फ ये था कि ये घर जाना चाहते थे, वो भी अपने साधन से, क्योंकि पुलिस ना ही प्रशासन ना ही सरकार इन्हें ट्रेन में टिकट दे पाई, ना ही इन्हें श्रमिक ट्रेन की व्यवस्था कर पाई। और ये वीडियो जो है ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इस तरह से अगर मजदूरों पर लाठीचार्ज होगा, इस तरह से मारा पीटा जाएगा तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि लगातार लोगों का गुस्सा, मजदूरों का गुस्सा भड़क रहा है। और ये वीडियो डाला है संजय सिंह ने, जो आपके सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये वीडियो डाला है और गुजरात के मुख्यमंत्री से ये सवाल किया है और कहा है कि ये है भाजपा का गुजरात मॉडल, गरीब मजदूरों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। विजय रूपाणी जी, शर्म करो, जिन गरीबों को रोटियाँ देनी चाहिए उन्हें लाठियाँ मिल रही हैं। तो ये उन्होंने सवाल उठाया विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन पर। और ये वीडियो जो है वो गुजरात में कहाँ का है ये दरभंगा रॉक्स इसकी पुष्टि नहीं करता है, ये गुजरात का है भी या नहीं ये भी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये सच है और गुजरात का वीडियो अगर है ये, तो वाकई ये घिनौना चेहरा है। न सिर्फ पुलिस के ऊपर सवाल है बल्कि प्रशासन और सरकार के ऊपर भी बड़ा सवाल या निशान है कि आखिर वो मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज़ है। इन बेबस और गरीब मजदूरों पर इस तरह से लाठीचार्ज करना यह न्यायत ही घिनौना अपराध है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।